हेलो फोर्थ क्लास, हाउ आर यू किड्स? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ चैप्टर की, जो हमने हमारी पहली वीडियो में, हमारा जो ये फिफ्थ चैप्टर था हिंदी प्रभाव बुक का, हमारा प्यारा गांव जो हमने रीड किया था। ये जो कविता थी बहुत ही सुंदर कविता थी कि लेखक ने कैसे अपने गांव के बारे में बताया है कि गांव कैसा है और उसमें कितने सुंदर सुंदर जो बाग हैं, बगीचे हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है ना, गांव के बारे में। अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आज हम इसकी जो है आगे की एक्टिविटी करते हैं। आपको ये पोएम से कम दो या तीन बार आपको ये पोएम को रीड करनी है, फिर अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम करते हैं इसकी एक्टिविटी। ये है शब्दार्थ, मतलब शब्दों के अर्थ, के मतलब सुघर, सुघर मतलब अच्छे और सुंदर, सुघर का मतलब होता है अच्छे और सुंदर। शिखर, शिखर होती है चोटी, जो शिव मंदिर के बारे में कहा था ना कि उसकी शिखर, मतलब जो चोटी है ऊपर ऊपर, उसको कहते हैं शिखर। चर्चे, चर्चे का अर्थ होता है एक दूसरे के संबंध में होने वाली बातचीत। फिर है पनघट, पनघट का अर्थ होता है जिस जगह स्त्रियाँ पानी के घड़े भरती हैं, मतलब पनघट जहाँ कुएं के पास एक जो बना होता है ना, उसके वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं जो कुएं से पानी निकालती हैं और वहाँ पर पानी के अपने घड़े भरती हैं। संकरे, संकरे का अर्थ होता है कम चौड़े, मतलब जिनकी चौड़ाई कम होती है रास्तों की। सघन मतलब घनी, है ना, जो चारों तरफ से घनी छाँव देने वाले। हास्य, हास्य का अर्थ होता है हंसी। पोखर मतलब तालाब। ये क्या करना है आपको, शब्दार्थ हैं जो आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं और आपको इनको लर्न भी करने हैं, इनको याद करने हैं आपको, और मुझे फोटो या वीडियो जो है बना के आपको ग्रुप में सेंड करनी है, आओ अभ्यास करें। ये है मौखिक, जो आपको राइट नहीं करने हैं, ओनली इनको ओरल करना है, इनको आपको अपनी नोटबुक में राइट नहीं करने हैं। उच्चारण कीजिए, मतलब आपको उनको मौखिक ही उच्चारण करना है कि क्यारियाँ, के क्यारियाँ क्या होती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या फिर सब्जियाँ होती हैं वहाँ पर उगाई जाने वाली ना जगह। पिलखन, पिलखन का होता है बड़ का पेड़ या पीपल का बोल सकते हो, ठीक है। पोखर का अर्थ होता है तालाब। उफंती मतलब नई या युवा पीढ़ी, उफंती मतलब नई। दोपहरी, दोपहरी मतलब दोपहर। किस्तियाँ, जो नाव होती है ना, नाव जो कागज़ की बनाई जाती हैं। गलियार, गलियार मतलब जो चौपाल से जो गलियाँ निकलती हैं, गाँव की गलियाँ, और उन गलियों के अंदर जो छोटी छोटी गलियाँ निकलती हैं ना, गलियों के अंदर से जो छोटी छोटी निकलने वाले जो रास्ते होते हैं उन्हें गलियार कहा जाता है, है ना। अब आपको क्या करना है, इनको उच्चारण करना, मतलब बोलना है। अगर इनमें अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सोच समझ कर बताइए कि गाँव के लोगों के संबंध में कवि ने क्या कहकर अपनापन प्रकट किया, कि गाँव के लोगों के संबंध में कवि ने कहा कि वही सारे उनके चाचा और ताऊ जी हैं, है ना, चाचा और ताऊ हैं। नीम के बूढ़े होने का कवि ने क्या प्रमाण दिया, कि नीम के बूढ़े होने का कवि ने क्या कहा था, कि वह उनके पिताजी की याद से भी पहले का है, है ना। जो वो नीम का पेड़ है जो चौपाल पर लगा हुआ है, वह उनके पिताजी के भी याद के पहले का है। ये सिर्फ आपको ओरल ही करना है, आपको अपनी राइट नोटबुक में राइट नहीं करना है। गांव के नीम के प्रति कवि ने अपना संबंध और अपनापन कैसे प्रकट किया, कि गांव के नीम के बारे में कवि ने कहा कि उसके नीचे जो खाट होती, खाट डालकर उन्होंने वहाँ पर अपनी स्टडी की है, है ना। फिर आता है लिखित, लिखित का मतलब ये क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। पहला क्या है, जिसका आज भी लगता है सुहाना, शिव मंदिर का जो शिखर था ना, शिखर के बारे में कहा था कि जिसका शिखर, शिखर जिसका लगता है आज भी पूरा सुहाना, जो शिव मंदिर का जो शिखर है, मतलब जो चोटी है, वो आज भी सुंदर लगती है। सभी हैं हमारे चाचा और ताऊ, बड़े या दोनों, तो उसके अंदर उन्होंने क्या है कि सभी चाचा और ताऊ हमारे, तो इसमें जो होगा अ राइट होगा। गांव की चौपाल का यह है क्या बूढ़ा व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं, तो नीम है जो नीम के बूढ़े होने का प्रमाण दिया हुआ है, तो इसमें जो होगा स राइट होगा, ठीक है। फिर है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ये जो कविता है इसके छोटी छोटी लाइंस दी हुई है, तो इनको क्या करना है आपको, ये पूरी कविता अपने जितनी ये लाइंस दी हुई है अपनी अपनी नोटबुक में राइट की है। जैसे इसमें पहला है झूमते हैं, तो झूमते हैं क्या, झूमते हैं, झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, है ना, घर सुघर गोबर लिपे आंगन सवारे, ये लाइन हो गई जो आपकी
कंप्लीट हो गई है, आपको आगे इनके लिखना है जो आपके नोटबुक्स हैं आपके पास, या फिर आपको ये जो अपनी वीडियो है उसके अंदर जो थी ये जो कविता है वो दी हुई है, तो उसके अंदर से देख के 3 से 4 बार आपको पढ़नी है, या फिर याद करके आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। फिर है सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, पूरी पंक्ति अगर पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है तो सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ है हमारे, है ना, ये पूरी लाइन हो गई कंप्लीट। फिर है उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दुपहरी नींद जहाँ डुबकी लगाना, मतलब उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दुपहरी नींद जहाँ डुबकी लगाना, आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन, मतलब आज भी अच्छी तरह याद है वे दिन, कागजों की किस्तियाँ घंटों चलाना, ये जो है पोइम्स आपको पूरी कंप्लीट करनी है कविता, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड सही मिलान कीजिए, मतलब सही मिलान कीजिए जिसके पीछे, जिसे इसमें इन्होंने मिलाया हमारा प्यारा, मतलब जो लहजा है बोलने का वो लास्ट में सबका सेम होना चाहिए, तो जैसे हमारा, हमारा को मिलाया प्यारा, खड़ा पड़ा, खड़ा पड़ा, बखेड़े अखाड़े, बखेड़े अखाड़े, लगाना चलाना, लगाना चलाना, सुहाना पुराना, ऐसे आपको उनको सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, इनको क्या करना है आपको इनके उत्तर जो है उनके आंसर, क्वेश्चन दिए हुए इनके आंसर आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में। हैं गांव की गली और गलियारों की क्या विशेषताएं हैं, गांव की गलियों और गलियारों से क्या विशेषता है, जो चौपाल से जो चार रास्ते हैं, कि गांव की गलियों से जो चौपाल के जो चार रास्ते हैं वह तो गलियां होती हैं, और उन गलियों से जो छोटी छोटी गलियां निकलती हैं उन्हें गलियारे गलियारियां कहते हैं, है ना। उफनती जिंदगी और पागल अखाड़े से कवि का क्या तात्पर्य है, तो उफनती जिंदगी से मतलब जो नई युवा पीढ़ी है उन्होंने जगह जगह अपने खेल के मैदान बना रखे हैं, है ना, पागल अखाड़े मतलब जो वहाँ पर है कुश्तियाँ लड़ते हैं खेलते हैं उन्हें पागल अखाड़े के बारे में बताया गया है, कि जो नई युवा पीढ़ी है जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें जगह जगह पागल अखाड़े मतलब खेल के मैदान बना रखे हैं, वहाँ पर वे अपने खेलते हैं और कुश्तियाँ लड़ते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि जो नई युवा पीढ़ी या जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं उन्हें जगह जगह खेल के मैदान है वहाँ पर वे खेलते हैं और कुश्तियाँ लड़ते हैं, ठीक है। पोखर के साथ अपनी स्मृतियों को कवि ने किस तरह दोहराया, पोखर के साथ किनारे, पोखर के किनारे हैं जो एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर एक पुराना शिव मंदिर है और उसका शिखर बहुत ही उसका जो शिखर है वो आज भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो कवि ने क्या कहा है कि पोखर से कवि ने बताया है कि पोखर के पास अभी भी एक जो मतलब है वहाँ पे वो घंटों मतलब घंटों तैरते थे, है ना, वो लाइन मुझसे गलत हो गई थी बच्चों, तो पोखर के जो है उन्होंने कहा है कि जो भरी दोपहरी थे वो भर दोपहरी वो पोखर के अंदर डुबकियाँ लगाते थे, तैरते थे और कागजों की जो किस्तियाँ बनाकर घंटों चलाया करते थे। पोखर से कवि ने कहा है कि पोखर के अंदर वे भर दोपहरी तैरते थे और घंटों कागजों की किस्तियाँ बनाकर घंटों उन्हें चलाते थे। गांव की किन किन चीज़ों को किस किस रूप में कवि याद करता है, तो गांव के बाग बगीचे खेत, है ना, और वहाँ का जो शिव मंदिर तालाब उनके बारे में वह याद करते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो कि आपको इन्हीं जो हमारी जो कविता है उन्हें हमें 2 या 3 बार हमें इसे पढ़कर फिर उनके आंसर यहाँ पे देने हैं, कि मतलब जो लेखक ये जो कवि हैं
जो कवि वह हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है कि वे गांव के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, तो गांव की किन किन चीज़ों को किस किस रूप में वे में कवि याद करते हैं। तो गांव की पहले देखें तो गांव के जो मतलब जो आंगन है उनको आंगन है वो गोबर लिपे आंगन से याद करते हैं, और जो गली गलियार हैं वहाँ आप इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे कि जो गांव में गांव का पहले आप लिखोगे पोखर मतलब एक तालाब है, उस तालाब में वह घंटों किश्तियाँ चलाते थे, है ना। गांव में एक जो बूढ़ा नीम का पेड़ था उसके नीचे वह घंटों अपनी स्टडी किया करते थे, है ना। गांव में एक शिव मंदिर है वो बहुत ही आज भी उसकी जो चोटी है वो आज भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। तो ये गांव की जो विशेषताएँ आपको थोड़ी थोड़ी करके इसमें लिखनी है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप कुछ नहीं समझ में आता तो आप उसे पूछ सकती हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा व्याकरण ज्ञान, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ, कि हर जो अक्षर दिए उनके आगे जैसे अक्षर बनाना है, जैसे सु प्लस गंध तो क्या बना ये सुगंध, तो आपको प्लस हटाकर ये पूरा वाक्य है जो सुगंध पूरा है वो यहाँ पर लिखना है। सुगंध जैसे सु गंध ऐसे करके पूरा वर्ड आपको लिखना है, सुगंध सुगंध है ना, सुगम सुगम है ना, सुगम सुविचार सुविचार, सुमति सुमति है ना, तो इसको बनाना है सुमति, सुयश है ना, सुबुद्धि है ना। ये जो प्लस है वो हटाकर आपको इनका पूरा वाक्य बनाना है। फिर है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची लिखिए। बादल, बादल का अर्थ होता है मेघ, नभ आकाश, इनके पर्यायवाची होते हैं जिनके एक ही अक्षर के जो बहुत सारे अर्थ है ना निकलते हैं ना, जैसे बादल को मेघ भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, है ना, सॉरी बादल को जैसे नभ मेघ है ना, वो मैंने गलती से ना आकाश को आकाश का बता दिया ना, तो बादल का हो गया मेघ है ना। और फिर आता है वृक्ष, वृक्ष का पेड़ है ना, वृक्ष का हो गया पेड़। घर, घर का भवन, घर का हो गया भवन। बाग, बाग का हो गया उपवन, बाग का अर्थ होता है उपवन। ये लिखने हैं विलोम शब्द, मतलब इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको। निकट, निकट का अर्थ होता है दूर, निकट का अर्थ होता है पास, तो इसका जब विलोम शब्द लिखेंगे तो निकट का होगा दूर। बूढ़ा मतलब बूढ़ा का होगा जवान। अच्छा बुरा, अच्छा का अपोजिट होगा बुरा। छाया धूप, छाया का अर्थ होगा धूप। गांव, शहर, गांव का अपोजिट शहर। सरल कठिन, सरल का होगा कठिन। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। ये जो निम्नलिखित जो हमने हमारी जो व्याकरण से हमने संज्ञा और शब्द और क्रिया, क्रिया मतलब जो करने वाला है, जो काम किए जो हो रहा है उसे छांट कर लिखना है। जैसे इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है, तो इसमें क्या हो गया जड़ वगैरह क्या हो गई संज्ञा क्रिया, मतलब क्रिया वो उन्होंने क्या कहा है पढ़ा है ना, तो पढ़ना क्या होगा एक क्रिया हो गई, तो यहाँ पर आपको क्रिया शब्द के नीचे लिखना है पढ़ा। फिर घिरे बादल बीज का बोना बुआना, घिरे बादल बीज का बोना बुआना, बादल और बीज क्या हो गए संज्ञाएं हो गई। बोना बुआना मतलब खेत में डालना, जो नए पौधे उनको उगाने के लिए जब मिट्टी में डाले जाते हैं ना, तो बोना और बुआना क्या हो गई क्रिया हो गई, तो आपको क्रिया शब्द के नीचे लिखना है बोना एंड बुआना। कागजों की किश्तियां घंटों चलाना ना, कागज और किश्तियां क्या हो गई संज्ञाएं हो गई, घंटों चलाना, चलाना मतलब क्रिया हो गई, तो चलाना होगा क्रिया शब्द के नीचे आपको लिखना है। कागज या किश्ती कुछ भी है जो आप संज्ञा के नीचे लिख सकते हो। बर दुपहरी नित जहां डुबकी लगाना है ना, तो डुबकी मतलब भर दुपहरी ये क्या करना, अब आपको क्या करना है तीन मैंने बता दिए, अब आपको एक इनमें से लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, दो मैंने बताए दो आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हैं अभी भी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों, टेक केयर।